महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त गजब का भूचाल आ चुका है। सियासत ने उद्धव ठाकरे को बलि का बकरा बना दिया। बकरे की डोर शरद पवार के हाथों में नजर आ रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि बकरे को बलि देने के लिए चौखट पर कौन लाएगा। लोग समझ रहे हैं कि शरद पवार के पास बहुत पावर है और वो जब चाहे भाजपा के साम्राज्य को हिला सकते हैं, पर साहब जिस तरह की बातें महाराष्ट्र की सियासत में चल रही है उससे साफ जाहिर होता है कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले शरद पवार कहीं बीजेपी के लिए रास्ता नहीं बना रहे, क्योंकि इससे पहले भी महाराष्ट्र की सियासत एक बड़ा उलटफेर हो चुका। शरद पवार के दो चेहरे नजर आ रहे हैं, जो चेहरा कांग्रेस और शिवसेना को नजर आ रहा है उससे अलग शरद पवार भाजपा के लिए ईमानदार नजर आ रहे हैं, और दोनों सूरतों में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और खुलकर बयान भी दे रहे हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करता है हाथी की दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और। मतलब महाराष्ट्र में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो उद्धव और कांग्रेस की मिट्टी पलीत कर सकता है। आने वाले दिनों में एक सियासी तूफान आ सकता है जो मचा सकता है फिर से भूचाल। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। शरद पवार और अजीत पवार के बीच 36 का आंकड़ा बन चुका है। पार्टी भी दो खेमे में बढ़ चुकी है। भतीजे ने चाचा को भरी महफिल में बेइज्जत भी कर दिया है। इसके बावजूद दोनों ने मिलने जुलने और गुपचुप बातचीत की खबरें आए दिन मीडिया में आती रहती हैं, लेकिन अब जिस तरह का बयान शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की तरफ से आया है उससे ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि शरद पवार के चेहरे के पीछे भी एक चेहरा है जिसे देख पाना बहुत मुश्किल है। शरद पवार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के साथ दोस्ती भी निभाना है, लेकिन बीजेपी के साथ भी अंदर खाने दोस्ती चल रही है। सुप्रिया सुले ने कहा कि एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई। इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने कहा कि अजीत पवार पार्टी के सीनियर नेता हैं जिन्होंने अलग रुख अपनाया है। पुणे में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची सुप्रिया सुले ने कहा कि एनसीपी में टूट नहीं हुई है, बस हमारी पार्टी के कुछ नेताओं ने अलग स्टैंड लिया है। हमने इस बारे में विधानसभा स्पीकर से भी शिकायत की है। अजीत पवार हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने अलग स्टैंड लिया है। शरद पवार हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जयंत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष है। अब इसी बयान को अगर गौर से देखें तो एनसीपी के दो गुटों में पट चुका है। एक गुट महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है जिसे शरद पवार चला रहे हैं, दूसरा गुट उनके भतीजे अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है। ऐसे में सुप्रिया सुले के कहने का साफ साफ यही मतलब है कि उनकी पार्टी में कोई टूट नहीं है और उनकी ही पार्टी बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रही है। मतलब चिट भी अपनी और पट भी अपनी। शरद पवार और अजीत पवार दुनिया की नज़रों में घर और बाहर दोनों की जगह एक दूसरे के विरोधी हैं और गुपचुप तरीके से सीक्रेट मीटिंग भी कर रहे हैं। इनके भतीजे ने दूसरी बार अपने चाचा शरद पवार को धोखा देकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं। पहली बार जब इनके भतीजे ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर शपथ ली तब भी शरद पवार उसे धोखेबाज बता रहे हैं। उस वक्त भी शरद पवार गद्दारी की बात कर रहे थे और फिर बाद में उसी भतीजे के कंधे पर हाथ रखते हैं जिसे आप महाविकास अघाड़ी की सरकार के तौर पर जानते हैं। उस वक्त महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने पर एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना वाले धोती खोलकर नाचने को तैयार थे। शरद पवार का परिवार उस वक्त भी महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बने रहना चाहता था जब उन्होंने पहली बार देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर शपथ ली। शरद पवार का परिवार उस वक्त भी सरकार का हिस्सा बना जब महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, और शरद पवार का परिवार आज भी सरकार का हिस्सा है जब बीजेपी और शिंदे की सरकार है। कुल मिलाकर सबसे मजे में शरद पवार है। महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी की सरकार हो, पर शरद पवार किसी भी तरह से सरकार का हिस्सा बने रहना चाहते हैं और हर बार सरकार का हिस्सा बनने में शरद पवार का भतीजा ही सबसे आगे नजर आ रहा है। तो फिर ऐसे में सवाल है कि शरद पवार और उनकी पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी से अलग कैसे मानी जाए। ये सब कुछ महाराष्ट्र वालों की आंख में धूल झोंकने के लिए हो रहा है और बलि का बकरा बन गए उद्धव ठाकरे। अब सुनिए उद्धव ठाकरे के साथ कौन कौन सा खेल हो चुका है या फिर उनके साथ खेल हो रहा है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र उस सियासी बागी का नाम है जिसने बीजेपी के साथ कई बार सरकार बनाने के बाद खुद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते थे, यानी वो चाहते थे कि हर बार बीजेपी का नेता ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ना बैठे बल्कि शिवसेना का नंबर भी आना चाहिए, और इस वजह से
महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी के साथ साथ एनडीए का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में महाराष्ट्र में नई सरकार बनती है और उद्धव ठाकरे शिवसेना के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री होते हुए कोई शख्स महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री का ओहदा हासिल करने के लिए उद्धव की शिवसेना ने बीजेपी से अपने रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। लिहाजा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद बार बार आगे चलकर अजीत पवार को मुख्यमंत्री के ओहदे पर बिठाए जाने की संभावना भी जताई जा रही थी। इसलिए शरद पवार का कोई ना कोई बड़ा गेम प्लान जरूर है जो बाद में सामने आएगा। बीते 2 जुलाई में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ बगावत करके एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए, जिसके बाद अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, जबकि उनके साथ 8 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। अजीत पवार ने दावा किया कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है। बगावत के बाद अजीत पवार 4 बार अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं। हर बार शरद पवार ने इसे पारिवारिक मीटिंग बताया। अभी हाल ही शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार की सीक्रेट मीटिंग हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मीटिंग पुणे में एक उद्योगपति के यहाँ हुई। दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग में शरद पवार को मनाने के लिए बीजेपी ने अजीत पवार के जरिए एक बड़े ऑफर की पेशकश की है। कांग्रेस नेता भी इस मुलाकात पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने तब जवाब दिया कि कोई ऑफर नहीं दिया गया। हालांकि एक अखबार ने पृथ्वीराज चौहान के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि बीजेपी ने शरद पवार को केंद्र में कृषि मंत्री बनाने और नीति आयोग के अध्यक्ष पद का ऑफर दिया। इसके अलावा सांसद सुप्रिया सुले और विधायक जयंत पाटिल को मंत्री बनाने की भी पेशकश की गई। इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस नेता शरद पवार से अपना पक्ष साफ करने के लिए कह रहे हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं सीधा जवाब देती हूँ, कोई ऑफर नहीं दिया गया, मुझे किसी ऑफर के बारे में नहीं पता, मुझे नहीं पता कांग्रेस क्या स्टेटमेंट दे रही है। पवार साहब और मैंने कोई बयान नहीं दिया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हम राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बात करेंगे, हम संसद में कांग्रेस के साथ बैठते हैं और उनके साथ रणनीति बनाते हैं, उनके राज्य नेतृत्व के बारे में मेरा बोलना अनुचित है, मैं कांग्रेस के राज्य नेतृत्व पर टिप्पणी नहीं कर सकती। अजीत के बार बार मुलाकात करने पर शरद पवार पर शिवसेना ने अपने संपादकीय सामना में लिखा, डिप्टी सीएम अजीत पवार बार बार शरद पवार से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि शरद पवार किसी मुलाकात को टाल नहीं रहे, कुछ मुलाकात खुले तौर पर हुई तो कुछ गुप्त रूप से हो रही है, इसलिए लोगों के मन में भ्रम पैदा हो रहा है। शिवसेना ने सामना में शरद पवार पर निशाना साधते हुए लिखा कि लोगों के मन में भ्रम पैदा हो रहा है कि बीजेपी के देसी चाणक्य अजीत पवार को ऐसी मुलाकातों के लिए धकेल कर भेज रहे हैं क्या, ऐसी शंका को बल मिल रहा है। लेकिन क्या अजीत पवार की ऐसी मुलाकातों से भ्रम पैदा होगा या फिर बढ़ेगा, जनता की सोच इससे आगे पहुंच चुकी है। इस रोज के खेल से मन में एक प्रकार की उदासीनता पैदा हो गई और इसके लिए मौजूदा सियासत ही जिम्मेदार है, मतलब शिवसेना भी और कांग्रेस भी इस गुपचुप मुलाकात को कहीं न कहीं कोई बड़ी साजिश मान रहे हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वैसे भी शरद पवार को नदी की धारा में बहने की आदत हो चुकी है, कोई गारंटी नहीं कि आगे चलकर बीजेपी एनडीए का हिस्सा हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन की घंटी वाले बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत, जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।